राजू बबलू आओ, बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। आप क्या मेरी महबूबा हो जो बुलाओ तो टाइमली आ जाऊं? अरे आ गया, इसी बात का शुक्र मनाओ। हैं? ठीक है ठीक है, नाराज काहे हो रहा है बे? वैसे सर, ऐसी खतरनाक बाढ़ के समय क्लास लेने का विचार आपको किस नीच और घटिया इंसान ने दिया है? ये कैसी बातें कर रहा है बे? तल के हकलाने से तो यही पता चलता है कि वो नींद और घटिया इंसान तल ही हैं, जिसको बाद में क्लास लेने की खुदली हो रही है। क्यों तल? तय कहा ना मैंने। हाँ हाँ, तुम लोगों का क्लास लेने का विचार तो मेरा ही था। एक बात बताओ गुरुदेव, इतने दिनों तक हमें पढ़ाकर आपने कौन सा घंटा बजा दिया जो आज सिर हिलाने आ गए? इतने दिनों तक पलकल दब कुछ नहीं हुआ तो फिर आज एक दिन में हम कौन सा अबतल बन जाएंगे? देखो बेटा राजू बबलू, तुम लोग गुस्सा मत करो, अभी तुम्हें पढ़ाई का महत्व समझ में नहीं आया है इसलिए ऐसा कह रहे हो। ये कैसी बकलोल पंथी कर रहे हो सर? अगर हमें पढ़ाई का महत्व नहीं पता होता तो हम स्कूल ही क्यों आते? हमें तो गुत्ता इत बात का है कि हमें पानी में तैर कर लाना पड़ा। अरे बेटा, हमारे देश में ऐसे कई लोग हुए हैं जो बचपन में बहुत कठिनाई से पढ़ाई किए थे। अपने लाल बहादुर शास्त्री जी तो गांव से दूर पैदल ही स्कूल जाते थे। हा? और उन्हें तो रास्ते में पानी तैर कर भी पार करना होता था। अच्छा? हाँ, अपने राजेंद्र प्रसाद स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करते थे। विवेकानंद, कलाम साहब जैसे महानुभावों का बचपन बहुत कठिनाई से गुजरा है। अत्ता, जिसने भी इतिहास में कुछ बड़ा किया है उसने मुश्किलों का सामना डटकर किया है। आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते होगे? हाँ हाँ, मैं भी चाहता हूँ कुछ बड़ा करूँ, इसीलिए तो आज जब देखा कि हर जगह पानी भरा है तो भी मैं नाव पर पढ़ाने आ गया। नाव पर सवार होकर तो आ गए, लेकिन पीछे छेद वेद तो चेक कर लिए हो ना सर? ये क्या बकवास कर रहा है बे? मैं नाव के छेद की बात कर रहा हूँ, उस छेद की नहीं जो आप समझ रहे हो। वो तो सबको रहता ही है, वरना जो ऊपर से ठूंसते हैं वो निकलेगा किधर से? हाँ हाँ, सब चेक कर लिया है। पिछली बार तो साला अधजले मुर्दे पर बैठकर आ गया था मैं। और मैंने और लादू ने आपको पानी में खूब डुबाया था, याद है ना तल? खूब याद है। साला ऐसा जुकाम हुआ कि 2 हफ्ते तक बुखार नहीं उतरा। लाली मैडम तो कोरोना समझकर 2 महीने तक पास ही नहीं आई। इसीलिए तो मैंने पूछा, क्या पता नाव में छेद हो और आप हमें पढ़ाते पढ़ाते जल में विसर्जित हो जाओ। यहाँ पानी भी बहुत ज्यादा है। चल अपनी बकवास बंद कर, जैसी अकल वैसी सवारी। देखो लड्डू भी कितनी लगन से पढ़ने आया है। सर, मुझे तो घर वाले सोने नहीं दे रहे थे इसीलिए चला आया। हा? वैसे इस तरह टायर पर सोने में बहुत आराम मिलता है। देख रहे हो सर, क्लासरूम में जो बच्चे शांति से पढ़ने आते थे उनमें से आज एक भी नहीं आया है। ये देखो शीला तो आई हुई है। अरे सर, शीला पढ़ने थोड़े ही आती है, ये तो मुझसे लड़ने आती है। शीला तुमसे लड़ने आती है? लेकिन क्यों? क्योंकि लड़ने से प्यार गहरा होता है। क्यों शीला, सही कहा ना मैंने? ओ टिंडे, अपनी औकात में रहा कर, वरना पानी में गोद कर सिले हुए बताते जैसा हाल कर दूंगी। देख रहे हो सर, हमारे प्यार की गहराई, इसीलिए ही तो हम स्कूल आते हैं। नहीं सर, मैं तो पढ़ने आती हूँ, यही है जो आवारा गर्दी और बकैती करने स्कूल आता है। क्या करूँ शीला, स्कूल तो मैं भी आता हूँ पढ़ाई करने, स्कूल तो मैं भी आता हूँ पढ़ाई करने, लेकिन तुम्हें देखकर शरारत हो ही जाती है। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना आज इसी पानी में डुबा डुबा कर मारूंगी। मैं तो पहले ही तुम्हारे प्यार में डूब चुका हूँ, अब और कितना डुबाओगी मेरी जान? देखो खाली तुमसे मिलने के लिए मैं इस भरी बाढ़ में भैंस पर चढ़कर आया हूँ। तुम भैंस के लायक ही हो, आगे चलकर भैंस ही तो चराना है तुम्हें। ओए हो शीला रानी, तुम्हें मेरे भविष्य की इतनी फिक्र हो रही है, क्या बात है, मर जावा गुड़ खाके। ए रजुआ, तुम अपना मुंह बंद करता है कि नहीं रे? नहीं करूंगा। हिम्मत है तो आकर मार कर दिखाओ। आज पानी इतना है इसीलिए बच गया तू, वरना अभी आके सोट देता।
वाहियात के बातों में टाइम खराब क्यों कर रहे हैं? देखो कितनी मेहनत करके हम आए हैं। हाँ हाँ ये बात तो है। वैसे शीला बेटी तुम कैसे आई? सर मैं तो केला पकड़ कर आई हूँ। क्या? हाँ इस बार कुछ नहीं मिल रहा था तो मैंने 3-4 केले एक साथ पकड़ी और आ गई। अरे मेरे रहते तुम किसी और का केला पकड़ कर कैसे आ सकती हो? हा? मैं किसी और का नहीं अपना केला पकड़ कर आई हूँ। अपना केला? हे भगवान ये क्या सुन रहा हूँ मैं। भाई लादू तू निलात मत हो, तिला भाभी केले के पेल के बारे में बात कर रही है। हाँ मैं तो केले के पेड़ की बात कर रही हूँ जिस पर अभी बैठी हुई हूँ। अच्छा अच्छा ये केला मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वही कहूँ कि जिस पेड़ में लटका था पपीता उसमें केला कैसे निकल आया? खैर छोड़ो इन सब बातों को, जब आ गए हैं तो कुछ पढ़ाई की बातें कर ले। हाँ सर। चल बे राजू इस पहेली का मतलब बता। सावन भादो खूब चलत है माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। सावन भादो माघ पूस क्या होगा इसका मतलब? बबलू तुझे पता है? नहीं भाई अब मुझे भी नहीं पता। दोनों में से किसी को नहीं पता, तुम दोनों का जीवन ही व्यर्थ है। सर इसका मतलब है नदी नाला। सावन भादो में इनमें पानी खूब रहता है और माघ पूस में कम। शाबाश शीला बेटी शाबाश, सीखो रे नालायक कुछ सीखो इससे। सर नदी नाला तो मैं भी बता सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ना कि ये सावन भादो क्या है, किसी नए आइटम का नाम है क्या? अरे नालायक ये हिंदी महीनों के नाम है। तुम्हारा जीवन तो सच में व्यर्थ है। अरे लादू तल का नाव धीले धीले नीचे क्यों डाल रहा है? अरे सर आपके नाव में तो छेद निकला, उसमें पानी भर रहा है। तो सच में नाव में पानी भर रहा है। अरे मोर मैया अब तो डूब जाएगी मेरी नैया। अरे मुंह क्या देख रहे हो सर, छलांग लगाओ और आकर बैठ जाओ हमारी भैंस पर। अरे मुझे तैरना नहीं आता, अब क्या करूं मैं? क्या तैरना नहीं आता है? नहीं। तब तो आपका जीवन सच में व्यर्थ है। नहीं भैंस पानी में।